अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस जरीन अनीस। टुडे आई हैव बुक ऑफ आफाक सन सीरीज क्लासिक्स मैथमेटिक्स इन विच आई एक्सप्लेन यू यूनिट नंबर 7 का क्लास एक्टिविटी नंबर 3। ये है बुक पेज नंबर 93 पर। यहाँ पर आपको परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट, हमारे पास परसेंटेज को पहले कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। किस तरह हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था? ये बुक का पेज नंबर 92 है। परसेंटेज को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। जब हमने इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, मैं आपको बता चुकी हूँ किसी भी नंबर, होल नंबर, यानी 15 एक होल नंबर है, इसके आगे परसेंटेज का सिंबल है। 28 एक होल नंबर है, इसके आगे परसेंटेज का सिंबल है। 32.5 एक होल नंबर है, इसके आगे भी परसेंटेज का सिंबल है। और 3 होल 1/5 एक फ्रैक्शनल नंबर है। 325 एक होल नंबर है, इसके आगे परसेंटेज का सिंबल है। और 3 होल 1/5 एक फ्रैक्शनल नंबर है, यानी एक मिक्स फ्रैक्शन और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्बिनेशन है, इसके आगे भी परसेंटेज का सिंबल है। किसी भी नंबर, डेसिमल या फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज के साथ मिल जाए, समझो डिवाइड बाय 100, जब आप उसको डिवाइड बाय 100 कर लेंगे तो उसका कॉमन फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। अब आपके पास डेसिमल है, डेसिमल को आप परसेंटेज के साथ सिंबल के साथ पहले डिवाइड करेंगे 100 से, और उसके बाद उस डेसिमल को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आपको कॉमन फ्रैक्शन में यानी होल नंबर के फ्रैक्शन में नंबर चाहिए, तो आप उसको फ्रैक्शन में करने के लिए, उसको होल नंबर में करने के लिए पहले उसको उसका डेसिमल ख़त्म करेंगे। ओके, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कॉमन फ्रैक्शन टू परसेंटेज। किसी भी नंबर डेसिमल, किसी भी डेसिमल नंबर या किसी भी कॉमन फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 100 से, आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। कुछ जगह यहाँ पर 1, 2 और 3 जगह होल नंबर में आंसर आएगा, बाकी इन दोनों जगह डेसिमल में आंसर आएगा, और डेसिमल के साथ परसेंटेज की सिंबल लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 93 की एक्टिविटी, जिसमें परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहला नंबर है 15%। 15% का मतलब है 15/100। 15/100 लिखा हुआ है, यानी न्यूमरेटर है छोटा और डिनोमिनेटर है बड़ा। आप इसको डिवाइड कर लेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1500 से छोटा है और यहाँ पर डिवाइड नहीं हो सकता, 100 के टेबल में 15 आता ही नहीं है, तो आप पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे। ओके, 100 वन ज़ा 100, 0 में से 0 माइनस किया 0, 5 में से 0 माइनस किया 5, पॉइंट का एक डिजिट बढ़ा दिया। एक्चुअली ये नंबर होता किस तरीके से है, 15 के बाद पॉइंट होता है, उसके बाद जितने भी 0 आप बढ़ा सकें, तो हमारी मर्जी होती है हम जितने भी 0 बढ़ा दें। 100 5 ज़ा 500, हमने एक 0 और बढ़ा दिया, हमारे पास आंसर आया 0.15। तो 15% का आंसर है 0.15। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास 30%। 30% का मतलब 30/100। 30% का मतलब 30/100। अब आप 100 को 30 से डिवाइड कर लें, सेम वही प्रोसीजर जो हमने यहाँ पर किया था, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दें, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दिया, 100 3 ज़ा 300, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 6.25%। ये हमारे पास एक डेसिमल में क्वेश्चन आ गया है, अब इस डेसिमल को डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपको डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है। 6.25, स्टूडेंट्स यहाँ पर आप डिवाइड बाय 100 कर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, ठीक है, सही, और आपको डिवीजन करनी है। हमारे पास यहाँ पर डेसिमल के पास 2 डिजिट हैं, मगर इन 2 डिजिट्स को हमने नहीं देखना, हमने देखना है इस 100 के बाद 2 नंबर्स को। 100 के पास 2 नंबर हैं, तो हमारा डेसिमल 2 नंबर पीछे चला जाएगा, यानी 2 नंबर्स राइट हैंड साइड पर।
ये मैंने आपको इस वजह से बताया है कि ये डेसिमल दो नंबर्स बाद, इसके पहले इसके डेसिमल है लेकिन दो नंबर्स ज़ीरो है, 100 से डिवाइड हो रहा है तो आप एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.0265। इसी तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चन को भी करने का आसान तरीका ये है, 50 डिवाइड बाय 100, 15 के बाद कुछ नहीं होगा, 15 के बाद हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमें चूंकि 15 को डिवाइड करना है 100 से, 15 के बाद है पॉइंट और दो ज़ीरो यहाँ पर, तो पॉइंट को दो नंबर आगे ले जाएंगे, आंसर आ गया हमारे पास 0.15। नेक्स्ट हमारे पास 30 है, 30 को डिवाइड करना है 100 से, दो ज़ीरो है, 30 के बाद पॉइंट, उस पॉइंट को दो नंबर आगे ले जाएंगे 0.3। 0.30 नहीं लगाना या लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.3 आंसर या 0.0 आंसर सेम आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, 1/5%, बुक का पेज नंबर 93, क्लास एक्टिविटी नंबर 2, पेज नंबर 93, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 1/5%, ये होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये डेसिमल नंबर और ये फ्रैक्शन नंबर। अब आपके पास एक फ्रैक्शन नंबर है और आपको उसको डिवाइड करना है 100 से, डिवाइड का क्या चेंज होगा, रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा, डिवीजन के बाद वाली टर्म रेसिप्रोकेट हो जाती है, 100 के नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1। अब हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, 1/5, डिवीजन से पहले वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, डिवीजन के बाद वाली टर्म को आप कन्वर्ट कर देंगे रेसिप्रोकेट, ओके, तो 100 का रेसिप्रोकल होता है 1/100। अब आपके पास आ गया 1/500, अब आप इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाकर ज़ीरो बढ़ा देंगे, अभी भी नहीं हो रहा डिवाइड, 500 ज़ीरो, पॉइंट का एक डिजिट बढ़ा दिया, एक और ज़ीरो बढ़ा देंगे, अभी भी ये 500 100 से छोटा है तो आप एक और ज़ीरो बनाएंगे, अब आ जाएगा 500 2 ज़ा, यहाँ पर ये ज़ीरो नहीं आएगा, 500 ज़ीरो, अब एक और डिजिट बढ़ा देंगे, ये डिजिट गलत है, यहाँ पर ज़ीरो नहीं आएगा, इधर ज़ीरो आएगा, यहाँ पर हमने पॉइंट बढ़ाया, 0 ज़ा 0 हो गया क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद डिजिट डिवीजन ही नहीं हो रहा था, तो 500 ज़ीरो हो गया, फिर हमने एक और ज़ीरो बढ़ाया पॉइंट का, दोबारा 0 ज़ा 0 हो गया, फिर हमने एक और ज़ीरो बढ़ाया, अब 500 2 ज़ा 1000, आंसर आ गया हमारे पास 0.002। व्हाट इज द आंसर, 0.002। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 7/5%, अब यहाँ पर हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, 5 7 ज़ा 35, में 1 प्लस किया, 36/5%, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, वो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर भी आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, आप 1/5 को डायरेक्ट डिवाइड कर लें, 0.52 ज़ा 10, हमारे पास आ रहे हैं 0.2 को डिवाइड कर लें 100 से, यहाँ पर आपके पास डिवीजन के बाद दो ज़ीरो हैं, 100 में दो ज़ीरो हैं, तो आप पॉइंट को दो नंबर आगे ले जाएं, आंसर हो जाएगा 0.002, सेम यही आंसर आ गया स्टूडेंट। अब इसी तरीके से आप इस 36 और 5 को डिवाइड कर लें और फिर उन दोनों को 100 से डिवाइड कर लें, 5 6 ज़ा 5 7 ज़ा 35, पॉइंट लगाकर ज़ीरो बनाया, 5 2 ज़ा 10, अब 7.2 को आपने डिवाइड करना है 100 से, दो डिजिट हैं, पॉइंट दो नंबर आगे चला जाएगा, एक ज़ीरो बढ़ गया तो आंसर हो गया 0.072, या फिर आप इसको 36/5 डिवाइड बाय 100 रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपको जो आसान लगता है आप उस तरीके से करें, ठीक है।
36 अपॉन 500, ये दोनों नंबर 4 के टेबल में भी आते हैं. 49 जा 36, 425 जा 100, 9 अपॉन 125. और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेम यही आंसर आएगा, 100. अब यहाँ पर 125 के टेबल में 90 तो आता ही नहीं होगा यकीनन, क्योंकि ये 90 बहुत छोटा है 125 से. तो आप यहाँ पर ज़ीरो बढ़ाएंगे, 125 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस किया ज़ीरो, 9 में से ज़ीरो माइनस किया 9, एक और ज़ीरो बढ़ा देंगे. 125 का टेबल अब पढ़ना है, 125 टू ज़ा 2 5s are 10, 2 2s are 4 और 1 5, 2 1s are 2, 250. 125 3s are 3 5s are 15, 3 2s are 6 1 7, 3 1s are 3. 125 4s are 4 5s are 20, 4 2s are 8, में 2 plus किया 10, 4 1s are 4 और 1 5. 125 5 5s are 25, 5 2s are 10 or 2 12, 5 1s are 5 or 1 6. 125 6s are 6 5s are 30, 6 2s are 12 में 3 plus किया 15, 6 1s are 6 or 1 7. 125 7s are 7 5s are 35, 7 2s are 14 में 3 plus किया 17, 7 1s are 7 or 1 8. 125 8s are 8 5s are 40, 8 5s are 40, 8 2s are 16 में 4 plus किया 20, 8 1s are 8 और 2 10. यहाँ पर तो 1000 आ रहा है, 1000 से छोटा नंबर 7. 125 7s are 875. इन माई ओपिनियन दिस मैथड इज़ टू ईजी फॉर डू. इफ यू वॉन्ट टू डू यू डू इट, इफ यू वॉन्ट टू डन इट यू हैव टू डू. हमारे पास 900 है, 875 माइनस करने हैं. 9 में से 1 बोरो ले लिया हो जाएगा 10, 10 में से यहाँ पर दोबारा 1 बोरो ले लिया हो जाएगा 9, 10 में से 5 किया 5, 9 में से 7 किया 2, पॉइंट का एक डिजिट और बढ़ा देंगे. 125 2s are 250. आंसर आ गया 0.072. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरे, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल्स के साथ बने रहें. या आप लोग अगर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो या मेरी मेहनत का सिला होगा. थैंक यू.